एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा अपने लाइन पे झप एक्सीडेंट हो गया था। ये ट्रैफिक जाम ट्रैफिक जाम दो मिनट में खाली हो जाएगा। पुलिस पूरी गाड़ी खड़ी थी। अब आ गया वेनिस आ गया वेनिस आ गए हाँ आप पहुँच गए। धन्यवाद। क्या 5 किलोमीटर नहीं है?
कैसे ठीक पड़ी हुई है पंगा वही है एक तो मालिक क्यों उसको खराब करने के मूड में अरे तेरे को बनानी है ना मेरी कैसेट तो खत्म हो गई है देख ले इधर देख इससे बना ले लेता रहे मैं रहूंगा तो बीच में कोई Thank you.
अब हम जो अपने वेनिस की बाइलेंस है उसके बीच से गुजर रहे हैं और आपको मैं आंखों देखा हाल अपने साथ में ले जाते हुए दिखाता रहूँगा। यहाँ पे आपको यूरोप के विभिन्न देशों से आए हुए सब लोग मिलेंगे। हमारे साथ जो मिश्रा जी से साथ में चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान से यहाँ मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार आए हैं। देखिए, बिल्कुल जितेंद्र के माफिक लग रहे हैं, जुल्फे उन्हीं की तरह है। मुझे एक बात बताइए, यही सैन मेरिनो स्क्वायर है? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया, यही सैन मेरिनो स्क्वायर है। और जो ये जो बाजार का एरिया है, हाँ जी, वो यही है क्या बाजार का एरिया? बिल्कुल, यही जो मेन मार्केट है, जो मॉल आप देख रहे हैं, आप यहाँ देखिए, आपको यूरोप के हर, लेटिन अमेरिका से लेके यूरोप के हर भिन्न प्रांत के लोगों का आपको यहाँ पे आगमन मिलेगा। ये देखिए जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ का बस स्टॉप है। यहाँ पे जिस तरह हमारी DTC बसें आती है, उस तरीके से ही, हाँ, ये हमारे, ये तो मेरे ख्याल से फेरी स्टॉप है। हाँ जी, बिल्कुल फेरी स्टॉप है। देखिए, जैसे जैसे अपना दिल्ली की भी या मुंबई की भी जैसे बस बेस्ट वाली बसेस चलती है, ऐसे यहाँ पे फेरी वाले जो है वो अपनी वो लेते हैं। अब ये देखिए ज़रा, यहाँ पे एक बढ़िया सा ये रेस्टोरेंट है। ये मकानों में फूल लगाने का जो तरीका है, ये हमने यूरोप में बहुत अजीब होगा। ये पहली बात है, सवाता और जोरांडा करके रेस्टोरेंट है। आप ये देखिए, बिल्कुल देखिए कितने बढ़िया खूबसूरत फूल आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो फूल है, ये बिल्कुल जैसे स्विट्ज़रलैंड में है, उसी तरह से ये सब लोग जो है यहाँ पे अपने बढ़िया बढ़िया तरीके से ये सब बनाते हैं। ये हमारे गुप्ता जी हैं, जो दिल्ली से आए हुए हैं, हमारे चंद सबसे बढ़िया ट्रेडरूम में से हैं। ये भी अपना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच ये शहर बसा हुआ है। आइए, मैं आपको और आगे ले जाता हूँ। अच्छा, अब आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ के चित्रकारों के बीच में, जो अपनी अभी हमारे मिश्रा जी चित्र अब जितने भी बना रहे हैं, इनको बहुत बढ़िया तरीके से मिश्रा जी इनको सहार रहे हैं। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया खूबसूरत से चित्र बनाए हुए हैं। ये तस्वीर बहुत बढ़िया है और मिश्रा जी देखिए अभी उससे बात कर रहे हैं सज्जन से, और उनसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कॉस्ट है इसका। मिश्रा जी, इन्होंने कितना दाम बताया है इस पेंटिंग का? हाँ मिश्रा जी, कितना दाम बता रहे हैं ये? 170 यूरो बता रहे हैं इसकी। 170 यूरो हमारे अपने हिंदुस्तानी रुपए में कितना हुआ? वही कोई मोटा मोटी 6000 रुपए। 6000 रुपए, 6000 रुपए की देखिए पेंटिंग, लियोनार्डो विंसी वाले जो मुल्क से ये सब लोग हैं, ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है इन्होंने। दुनिया भर की हसीन चित्रकारी का नमूना जो है आपको इन जगहों में मिलेगा। अब देखिए ज़रा, ये अभी चित्रकार हैं जो खूबसूरत तरीके से चित्रकारी का नमूना आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये खूबसूरत जो वेनिस के देश में ये गंडोला वगैरह और ये पूरा चित्रकारी जो ये करते हैं, उनका एक बहुत आपको सदर। आप देखिए, इनका नमूने के तौर पे मैं जो ये चित्रकार है, इनका चेहरा हमारे को सामने से दिख नहीं रहा, हम पीछे से खड़े हैं इनके, इनका ज़रा मैं नमूने आपको दिखाता हूँ। हमारी मैडम है जो बिल्कुल बगल में बैठी हैं, वो भी देख रही हैं, इन चित्रों को निहार रही है। आप देखिए कितने खूबसूरत, कितने खूबसूरत सी पेंटिंग्स इनमें बना रखी है। एक मिनट, आपको मैं इसका नमूना ये दिखाऊंगा। आप देखिए एक एक चित्र को कितनी खूबसूरती से इन्होंने तराशा है, और ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया पहलू है इनकी आर्ट का। आप ये देखिए कितने खूबसूरत से पेंटिंग इन्होंने बनाई है। अब देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ इस टाइम, जितने भी ये टूरिस्ट गन हैं, ये विभिन्न प्रकार के मुल्कों से यहाँ आए हुए हैं और अपने टूर गाइड के साथ में गुजर रहे हैं। इन द मीन टाइम अभी अपने मेरे को ज्ञात हुआ है कि मिश्रा जी जो है बिल्कुल सड़क के सामने एक जो यहाँ पे नामी चीज़ें हैं जो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे बनाई जाती है, इन सबको मास्क कहते हैं, जो यहाँ पे ये डांस वगैरह के लिए इनकी ये प्रजाति की बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। आप ये देख रहे हैं ना कितने बढ़िया चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मिश्रा जी, अमृत दुगर जी और मैडम सब, अभी शैलेश भाई भी सामने से गुजरे हैं, अमित जी बिल्कुल साथ में बगल में खड़े होके बढ़िया तरीके से इसका परीक्षण कर रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ क्लिक होता है यहाँ पे या नहीं। मेन चीज़ है जो ये इनके नकाब है, अब ये देखिए कितने खूबसूरत नकाब है। इन नकाबों को पहन के ये लोग अपने बाले वगैरह डांस में जाते हैं। अब
जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये बिल्कुल एक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। आप यहाँ पे देखिए लोगों का आना जाना आगमन बिल्कुल बरकरार है, और साथ ही में हमारे मिश्रा जी और हमारी बाकी टीम सभी सदस्यों को आगे लेते हुए जा रहे हैं। ये अभी हमारा वेट कर रहे हैं, मैं उनको इशारा कर रहा हूँ आप चलिए आगे, हम पीछे पीछे उनके आ रहे हैं। साथ में आपको दिखाते हुए यहाँ पे कैसी मंजिलें हम तय करने वाले हैं आने वाले कुछ पलों में। ये पूरा दिन जो है हम वेनिस में बिता रहे हैं, और बढ़िया तरीके से आपको वेनिस की खूबसूरती के बारे में आपको बार बार जो भी बढ़िया माइलस्टोन आती है हमको बताते रहेंगे, आपको ज्ञात करवाते रहेंगे। धन्यवाद। अभी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये विभिन्न हंसते हंसाते हुए गुदगुदाते हुए चेहरे हैं जो इधर बैठे हुए आर्टिस्ट ने हमारे सब लोग इनसे रेट वगैरह तय कर रहे हैं। अब आपको मैं ये चेहरे दिखाऊंगा थोड़ा नज़दीक से। अभी क्या है कि हमारे सारे जन जो है वो यहाँ पे एकत्र हो गए हैं, आप ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत चेहरे बना रखे हैं। ये देखिए आपको देख के हंसी आएगी, चाचा चौधरी जैसी पूछे हैं आदमी जी कि ये एक बहुत बड़ा कलाकार है। ये अब मेरे दोस्त संजय कौल की एक कार्टून चित्रकारी बनाएगा, और इसने पहले भी कई नमूने बना रखे हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्क्रीन पर। ये हमारे तरीके कोई विस्टर होंगे जिसकी शक्ल इसने बनाई है, और अब ये मेरा दोस्त 10 यूरो खर्च करके अपने चेहरे की विचित्रता को बनाएगा। ये देखिए वो ये बैठा हुआ है, इसको हम सब निहारेंगे, ये हम सब ये अभी ऐसे दिख रहे हैं, और जब इनकी फ़ोटो बन जाएगी तब ये कैसे दिखेंगे वो हम देखेंगे। अभी आधी बनी हुई तस्वीर अभी यूँ दिख रही है, थोड़ी देर बाद उसकी आँख और नाक वगैरह को पूरा शेप देगा ये बंदा। ये कह रहा है हंसो, मेरा दोस्त बेचारा सीरियस हो गया घबराहट के बारे की मैं कैसा दिखूंगा। घबराहट में नहीं, कहीं खोखला कोई चेहरा बना दे तो तकलीफ हो जाएगी। ये ऐसे ही रहा जैसे वो हार के लक्ष्मण के आते। दिस इज अ स्टिच आर्म। ओके, ये वो मेरा दोस्त है और ये उसकी ओरिजिनल शक्ल बना दिया यार, ये उसकी बनाई हुई शक्ल है। आप देख रहे हैं कितनी सिमिलैरिटी है। बच्चे डर जाएंगे। अभी आप देखिए ये मिश्रा जी सामने बैठे हैं, और आप हम सब जन इनकी तस्वीर जो है अपने सामने मुख अपने देख रहे हैं, और ये चित्रकार हमारे सामने बैठे हैं जो इनका नमूना जो है देखिए किस खूबसूरती के साथ में इनके ये जुल्फे बनाई हैं। और अभी इनका चेहरा से ये देखिए इनकी जुरियाँ जो हो रही है, बुढ़ापे की जो निशानी आ रही है वो कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया। नाक जो बनाया वो टिंटी ने कॉमिक आया करती थी, उस तरह का इन्होंने इनका खूबसूरत सा नाक बनाया है, और ठोड़ी जो है वो बिल्कुल नाक से थोड़ी बड़ी दिख रही है। कान भी बढ़िया बनाया है, मस्त बनाया है। बाल जो है थोड़े बिखेरे से है, और कलम भी बहुत बढ़िया बना दिए। अभी इनके खोपड़ी के जो पीछे वाले बाल हैं उनको बढ़िया तरीके से तराश रहे हैं। अभी जो अगली वाली जुल्फे है वो थोड़ी तराश रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा चित्र इनका बनाया जा रहा है। अब इस महारता का जिस खूबी से इन आदमी ने जो हमारे चित्रकार हैं, अब देखिए एक फिरंगन भी आई है जो इनको बहुत बढ़िया तरीके से निहार रही है। ये मिश्रा जी के सामने बैठ के देखिए मिश्रा जी का चित्र को कितनी बढ़िया तरीके से निहार रही है। इनके साथ में इनका बॉयफ्रेंड भी है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। ही इज़ टेलिंग मिश्रा कि लुक एट द वे दिस गाय ही इज़ मेड योर पेंटिंग ब्यूटीफुल, हैट्स ऑफ टू दिस गाय वो मेक्स एन इनक्रेडिबल यू नो पेंटिंग। अभी अभी देखिए हमारे बिल्कुल बगल में विकास जी बैठे हैं जो कह रहे हैं कि मिश्रा का चेहरा थोड़ा मिलता जुलता हनुमान जी जैसा हो रहा है, बट अपन उसके उनके साथ में मुत्तफिक नहीं है। अब आप देख सकते हैं मिश्रा जी की आंखों के ऊपर ये थोड़ा अपना हाथ चला रहे हैं, कितनी खूबसूरत आंखें बनाई हैं इनकी, ऐसा लगता है इनकी आंखों को ही बस देखते रह जाएं। इतनी खूबसूरती से इनकी आप आईब्रो बना रहे हैं, नाक के आगे जो बाल हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके निहार रहे हैं। इधर हाँ, ये जो आप देख रहे हैं सितारा, इसमें हनीमून कपल के लिए फ्लावर वगैरह सब लगाया गया, ये इसमें रात गुजारी जा चुकी है ऑलरेडी। इसमें उनके लिए छोटा सा एक केज होता है आगे जो आप गुलदस्ते के आगे देख रहे हैं। ये देखिए ऐसे लोग मजा करते हैं। अब देखिए ये जो चीज़ है इसको गंडोला कहते हैं, और ये यहाँ के गाते बजाते हुए लोग जो है आप देखिए कितने आनंदित होके जा रहे हैं। ये वेनिस शहर की बहुत खूबी है, आप देखिए किस तरीके से ये मनोरंजन करते हुए ये व्यक्ति गा रहे हैं बजा रहे हैं। गंडोला जो है अगर आपको याद होगा अमिताभ और जीनत अमान
वो भी एक ज़माने में गैम्बलर जैसी मूवी में इन्हीं गंडोला की राइड करके बहुत नाम कमाया था, बहुत शोहरत पाई थी। और ये वही जगह है वेनिस, और ये वही गंडोला है जिसमें उन दोनों की शूटिंग हुई थी, और ये वही बाई लेंस है। यहाँ पे क्या है कि सड़कों की जगह पे आपको हर जगह समुंदर का पानी ही दिखेगा। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत वादी है, ये इतनी बढ़िया खूबसूरती का जो आलम है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हनीमून कपल्स जितने भी इस बाग से आते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो वेनिस जैसी जगह पे आके अपना भरपूर प्यार का अनुभव जो है लें, और साथ में एक दूसरे को प्यार का जो इजहार है वो इस जगह पे आके बखूबी दें। लोग यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड जाने की जगह वेनिस जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप देखिए कितने बढ़िया खूबसूरती से ये नाविक जो है अपनी नाव चलाते हुए गंडोला आ रहा है। अब देखिए मिश्रा जी अब खड़े हैं, और मिश्रा जी बिल्कुल उस जगह के सामने खड़े हैं जो मैं अभी आपको तस्वीरें दिखा रहा था। देखिए उनका अभी हंसा हुआ चेहरा जो नेचुरल है वो दिखा था, ब्लैक एंड वाइट तो अभी आपको हमने उनका कैरिकेचर दिखाया था, कितना खूबसूरती से हंस रहे हैं। मिश्रा जी जो है अपने जो अपने वाजपेयी जी हैं उसी तरह की हंसी है, उन्हीं तरह का डबल चिन आ रहा है, जा रहा है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप उसी तरह का चेहरा इनका देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए हम दूसरे छोर की तरफ आ गए हैं इसी ब्रिज के, और यहाँ पे आप देखिए कितनी खूबसूरत ये इमारतें हैं सामने, ये सारी की सारी चर्चेज़ हैं यहाँ की, और पानी के बीच में ये सारा का सारा शहर है। और ये देखिए छोटी छोटी प्राइवेट बोट्स है, ये सामने गोंडोला हमारे आगे खड़ा हो गया है। इनकी ये पार्किंग लॉट्स है, जैसे हमारे यहाँ पे पार्किंग स्लॉट्स होते हैं इनके भी ये पार्किंग जगह हैं। लकड़ी के बड़े बड़े खंभे हैं जिनसे ये अपनी किश्तियों को बांध के रखते हैं। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, ये मौलिक जी अपने लगे हुए हैं वीडियो कैमरा से, मैडम जी भी सामने खड़ी हैं, और अब देखिए रश कितना बढ़िया बढ़ता चले जा रहा है। और यहाँ पे आपको हर प्रजाति के लोग मिलेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, क्या देसी क्या विदेशी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा अब हम आपको जो मेन यहाँ का सेंट्रल जगह है इसको सेंट मैरिको जगह कहते हैं। अब देखिए कितने खूबसूरत है, जैसे अपना इंडिया गेट के ऊपर और गेटवे ऑफ इंडिया पे आप कबूतरों का सिलसिला देखेंगे। अब देखिए कितने खूबसूरती से ये सब कबूतर जो हैं इन सब लोगों के आसपास बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोग क्या है चने वगैरह इनको देते हैं, और ये कबूतर उनके पूरे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। कबूतरों को जो चना खिलाने की प्रथा है ये सेंट मैरिनो स्क्वायर का एक सबसे बड़ी देन है, समझ लीजिए कि यहाँ पे लोग खरीदते हैं और कबूतर खाने के लिए आते हैं। अरे हाथ फैला के रख, जो है हमारे ऊपर दुर्गा जी भी है, ये सब काम हो रहा है। अभी मैं इनको अभी देखिए कितनी खूबसूरती है वर्षा जी, चार चार छः छः सभी जो है दाने खाने के लिए यहाँ से ले, अफसर यहाँ से ले। अब ये देखिए मिश्रा दोनों हाथों में किस तरीके से विभिन्न प्रकार में ये सब लोग अपने हाथों में किस तरीके से फड़फड़ा रहे हैं, खूबसूरती का एक बहुत बड़ा आनंदित क्षण। यहाँ से हम आपको आगे वही नहीं, और ये है सेंट मैरिनो स्क्वायर सबसे खूबसूरत जगह। मिश्रा जी आप भी दाने कुछ खिलाइए, कितने का दे रहे हैं। मिश्रा जी देखिए कितने अच्छे जादूगर लग रहे हैं, इतने खूबसूरत कबूतरों को एकत्रित किया हुआ है उन्होंने। देखिए उनके आगे पीछे अगाड़े पिछाड़े कबूतर ही कबूतर हो रहे हैं। अब ये देखिए उनको दाना खिलाएंगे, देखिए कबूतर किस तरह एंटरटेन हो रहे हैं। ये देखिए ये एक बहुत बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पे कबूतरों के इस वादी के बीच में। अब देखिए कितनी खूबसूरती तरह से कबूतर सारे एकत्रित होते जा रहे हैं। ये देखिए आपको मैं नीचे से ले जाके दिखाता हूँ, कबूतर देखिए चारों तरफ आपको कबूतर ही कबूतर दिखेंगे। अब देखिए अभी हम सब जन इस गंडोला की राइड के बीच में जा रहे हैं। हम छह जन हैं जिसमें मिश्रा जी है, मिश्रा जी हमारे को साथ में चल रहे हैं, मिश्रा जी कौशिक भाई हमें चल रहे हैं, मैडम चल रही है, दुगर जी भी मेरे बिल्कुल बगल में है, ये देखिए पीछे दुगर जी, और मैं खुद भी आप सब लोगों के साथ में ही हूँ। और अपन सब लोग अभी इस गंडोला रोड पे अपना सफ़र जारी करने के लिए आगाज़ कर रहे हैं। अब हमारे सफ़र का आगाज़ हो रहा है। अब ये देखिए समुंदर का पानी और बीच में एक छोटी सी फरारी बोट चलते हुए
अभी जहाँ से मैं ये पिक्चर को कैच कर रहा हूँ, आप सुन के हैरान होंगे, ये वही बोट है जिस पे एक ज़माने में हमारे मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन और जीन जमान की मशहूर पिक्चर जिनकी कास्टिंग हुई थी और बहुत मशहूर हुई थी। ये देखिए यशो भाई भी हमारे सामने बैठ के देखिए मन मन मुस्करा रहे हैं, मैडम भी थोड़ी प्रसन्नचित मूड में लग रही हैं और साथ में अमित बैठे हुए हैं। देखिए कितने खूबसूरत चेहरे और इस गंडोला में ये मिश्रा जी का भी चेहरा आ गया, ये कितने हसीन चेहरे। अभी इनका कैरिकेचर देखा था मैं, फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कितने खूबसूरत लग रहे थे, छोटी छोटी बिनी बिनी अपनी दाढ़ी के साथ में। अब ये देखिए ये हमारे गंडोला के जो नायक है, जो इसके ड्राइवर हैं बेसिकली, देखिए कितने खूबसूरत वर्दी के बीच में बढ़िया तरीके से चप्पू चलाते हुए चल रहे हैं। इनका नाम है टोनी। टोनी जी जो है ये आज हमारे को यहाँ वेनिस की भ्रमण कराएंगे। बहुत खूबसूरती से ये इस चप्पू को चलाते हुए, पानियों की अटखेलियों से खेलते हुए, हिलाते डुलाते हमारे को इन तंग गलियों से वेनिस की जो गलियाँ हैं और शहर की जो है सैर करवाएंगे। अब ये देखिए कितना खूबसूरत आलम है हमारे चारों तरफ से, समुंदर का पानी ही पानी चारों तरफ हमें दिख रहा है। अब दूर दूर तक जहाँ नज़र जा रही है पानी ही पानी है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए हम आगाज़ करते हैं यहाँ से अपनी अगली गली की एंट्री का। जैसे ही हम एक छोटी सी स्ट्रीट में आएंगे फिर हम वहाँ से अपना रिकॉर्डिंग फिर से चालू करेंगे। इसका जो है ना, अब ये देखिए ये सब गंडोला के पार्किंग लॉट्स है जो हम दिखा रहे हैं आपको। यही वो मार्को सैन मैरिको वाला स्टैंड था जहाँ से हम अभी कबूतर वगैरह दिखा रहे थे आपको। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे ये पेंटिंग बनाई है। अब ये पेंटिंग देखिए आपको अंदाजा होएगा कि इनकी ये 300 साल पुरानी इमारत है। इस इमारत के बीच में जो चर्च है उस चर्च का ये फेसिया है जिसको ये थोड़ा रिनोवेट कर रहे हैं, मगर देखिए कितनी खूबसूरती से इसको ढका हुआ है। लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ही आदम ज़माने का एक बढ़िया सा इमारत हमारे सामने वास्तविक रूप में खड़ी हो। जो गंडोला में हम बैठे हैं दुगर जी, बड़ा सही तरीके से हमारा आगे का पीछे का व्यू देख रहे हैं इस टाइम। अच्छा, ये जो सामने जो आपको ये ब्रिज दिख रहा है ये वही ब्रिज है जहाँ पे हम बैठ के अभी गंडोला का आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अब ये वही ब्रिज है जहाँ पे हम बैठ के सभी अपना आपको परिचय दे रहे थे वेनिस सिटी के बारे में। देखिए कितनी खूबसूरती है, यहाँ पे लोग आके बहुत बढ़िया चित्रकारी करते हैं, बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ खींचते हैं। अब हम इस छोटे से ब्रिज के नीचे से अभी गुजर के जाएंगे और जो वेनिस की अंदरूनी गलियाँ हैं उन गलियों का जो है भ्रमण करेंगे। अब ये देखिए ये हमारे बिल्कुल बगल के साथी जन हैं जो दूसरी गंडोला के बीच में, मेरे ख्याल से जापान के ही नागरिक लगते हैं। देखिए ये भी हमारे बिल्कुल साथ में ही इस गंडोला की सैर कर रहे हैं। इनका गंडोला वाला जो है वो बढ़िया ट्रेडिशनल गंडोला वाला नहीं लग रहा क्योंकि उसने टोपी नहीं लगा रखी है, बाकी बढ़िया तरीके से चप्पू चलाने में वो भी महारत रखते हैं। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से अंदाज में कभी लेफ्ट कभी राइट करते हुए बढ़िया तरीके से चप्पू चला रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखिए सामने छेद, ये देखिए ये ऊपर का एक मंजिला है इसी जगह का और यहाँ से ये चर्च का एंट्रेंस है। चर्च जो है चर्च के बीच से आप देखिए कितने खूबसूरत सा ये रास्ता है। अब ये जो है ये आपस में गंडोला वाले बातें कर रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ के लोग जो है ये पुराना, आपको मैं अब इस आपको एक चीज़ जान के बड़ी खुशी होगी। अब ये देखिए ये दरवाज़ा कितने आदम ज़माने का है, कितनी खूबसूरती से इसकी ये नक्काशी की हुई है जिसका मैं आपको थोड़ा अभी सही तरीके से आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा निकासी है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि ये बिल्कुल सटे हुए हैं इस पानी के साथ में। ये देखिए पानी किस तरीके से यहाँ तराशा हुआ है। इनकी नाना प्रकार की जो आकृतिक प्रतिक्रियाएँ हैं बनाने में, आप देखिए इसका अनुभव कीजिए। आप देखिए कितने खूबसूरत जगह पर हम गुजर रहे हैं। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत शॉप है ये। इसी अभी आपको जो ये पीछे घंटे सुन रहे हैं ये चर्च के घंटियाँ हैं। देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में एक रिदमिक वे में ये बजते हैं और अभी दोपहर का 12 बजे हैं और 12 बजे हम इस गंडोला में बैठ के कितने खूबसूरत इन, अब ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये यूरोप के मेरे ख्याल से आए हुए लोग हैं। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये कपल इन्जॉय कर रहे हैं। मेन यहाँ पे आने का इनका मकसद ही ये है कि ये खूबसूरती इस प्रकृति को एंजॉय करें। अभी पानी से मैं आपको लेके, ये देखिए कितनी खूबसूरत सी बच्ची है हमारे बिल्कुल सामने, कितनी प्यारी सी बच्ची है ये अभी चली गई। एनीवे
अब ये देखिए सामने किस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे ये पुल बने हुए हैं जो कि इन जगहों को जोड़ते हैं, क्योंकि आप जस्ट देख रहे हैं यहाँ पे हर स्ट्रीट और यहाँ पे जितने भी जगहें हैं वो सारी पानी से ढकी हुई है। ये साइड पे ये बाई लेंस है, आप देखिए बाई लेंस किस तरह लोग यहाँ से बाई लेंस पे चलते हैं, और ये छोटा सा आधार है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने का। अब ये देखिए चेन से बंधे हुए ये घर है, किस तरीके से नाव पार्क करते हैं ये देखिए किस तरह से खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है इस शहर की। यहाँ पे एक और बड़ी बात है कि यहाँ पे मोटर बोट और जो बढ़िया चीज़ें हैं ये सब, ये देखिए एक घर है, ये बहुत पुराना घर है। अब देखिए ये घर का आपको मैं अंदर का आंखों देखा हाल दिखाता हूँ, अभी ये बंद पड़ा हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बड़ी बड़ी बोट्स जो है वो नहीं आती है, बड़ी बड़ी बोट्स यहाँ पे नहीं आती। ये देखिए यहाँ पे कितनी आलीशान बिल्डिंगें हैं, ये इनकी खूबसूरती देख देख के आपको मेरे ख्याल से आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। देखिए किस तरीके से ये बिल्डिंगें, कितनी पुरानी सदी की बिल्डिंगें, एक दो शताब्दी नीचे। आप ये देखिए पुरानी ईंटें, देखिए आपको मैं ईंटें दिखाऊं, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि पानी के बीच में देखिए किस तरीके से ये टच करती हुई ईंटें हैं, फिर भी अभी तक अपनी 400-500 साल पुरानी, बिल्कुल 500 साल पुरानी, मिश्रा जी बता रहे हैं 500 साल पुरानी। अच्छा इनके दरवाज़ों का हाल देखिए, ये सीवेज पाइप है इनकी, और दरवाज़ों का हाल देखिए आप, कितने पुराने दरवाजे हैं ये, और अभी भी इतनी मजबूती से टिके पड़े हैं। ये चीज़ तो देखने के बाद में ही बयां कर पाते हैं जो चीज़ का मैं बता रहा हूँ। ये देखिए एक और नाविक है, ये मेरे ख्याल से सप्लाईज वाला है जो यहाँ पे खाना वगैरह सप्लाई करता है। ये जो हम अभी घर से गुजर रहे हैं ये मार्को पोलो का घर है, ये देखिए जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, और अब ये आज की डेट पे ये एक ओपेरा हाउस के बीच में उन्हें तब्दील कर दिया गया है। ये देखिए बहुत बढ़िया, यानी कि यहाँ पे शाम को बढ़िया तरीका मिल। अब ये देखिए ये कुछ हमारे चाइनीज़ लोग हैं, ये भी कुछ गाते बजाते हुए फर्स्ट क्लास तरीके से मनोरंजन करते हुए यहाँ से आ रहे हैं। ये देखिए हम इनको वेव कर रहे हैं, एक टकला सा इंसान बढ़िया तरीके से वेव कर रहा है। अब ये देखिए आपको मैं ये दिखाने जा रहा हूँ, देखिए कितने खूबसूरत से इन्होंने गार्डनिंग कर रखी है इस पानी के बीच में, जहाँ की बिल्कुल सॉल्ट वाटर है, इसके बीच में इतनी खूबसूरत सी चीज़ को बनाना इनके अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अजूबा है। मगर ये लोग इसी तरह से यहाँ जीते हैं और पिछले 600 साल से जी रहे हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक और पहलू देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं किस तरीके से पानी और इस तरह का विशाल आकार जो उन्होंने यहाँ बना रखा है, इसके बीच में अपनी जद्दोजहद जारी करते हुए। आपको ये एक और बताने मैं यहाँ पर फिर समझूँगा, दुनिया का सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट जो आज की डेट पे है वो वेनिस है। वेनिस की खूबसूरती 600 साल पुरानी है, जो आप यहाँ पे देखिएगा इनके बालकनियों में भी ये लोग कितनी खूबसूरती से ये फूल वगैरह उगाते हैं। यहाँ पे वैसे और कोई ज़रिया है नहीं इस तरह की प्लांटेशन का, बट देखिए किस अंदाज से इस बिल्डिंग की हालत कितनी खस्ता है, बट फूलों की खूबसूरती से इसको दो चार चांद इन्होंने और लगा दिए हैं। जहाँ ये डलता हुआ मलबा वहीं पर ये फूलों की खूबसूरती से ढका हुआ इनका ये आउटर कितना बढ़िया। अगर मजे तरफ आप देखिए, ये भी हमने पिछवाड़े में कपड़े सुखा रहे हैं हमारे, जैसे हम अपने घरों में हिंदुस्तान में। अच्छा बढ़िया तरीके से आप ये देखिए कि यहाँ पे कितनी बढ़िया तरीके से ये ऑर्केस्ट्रा चल रहा है और कितना फर्स्ट क्लास तरीके से गाना सुनने को मिल रहा है। ये सब लोग आनंद ले रहे हैं, इनके इतने खूबसूरत गाने बजा रहे हैं, देखिए ये वही आदमी है जो उस टाइम गा रहे थे। इस तरह से गाते बजाते हुए ये लोग यहाँ पे अपने जीवन का आनंद लेते हैं। ये एक और गंडोला हमारे सामने से गुजरता हुआ, ओके वी फ्रॉम, ये देखिए एक मोहतरमा मिश्रा जी जैसे कह रहे थे ये हिंदुस्तानी ना होके यहीं की महिला है और अपने कपड़े सुखा रही है। देखिए
इसका नहीं नहीं बच गए, कैमरा नहीं गया, कैमरा नहीं गया। मैं उसको थैले में डाला लेता हूँ, इसीलिए तेरे हाथ में था ये बैग, ये सीट है ना उसकी, ये उड़ गई थी, कोई बात नहीं। We will have some shopping. Now we'll go to McDonald's. Yes. Have some food. Bilkul. उधर चलेंगे ना? ग्लास का यहाँ पे मैडम, जो ग्लास का यहाँ पे मुरानो, मुरानो एक्सेलेंट स्टफ। ग्लास मुरानो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। मुरानो का जो यहाँ पे नहीं, मुरानो बहुत दूर हो। मुरानो मॉल हेक्टिक हो जाएगा। बहुत बहुत हेक्टिक हो जाएगा। छोड़ दो। उधर जो सामान मिलता है ना वही सामान इधर मिलता है, खाली फैक्ट्री देखने को मिलेगा। बस मेन चीज वही है, वहाँ पे आपके सामने ना वो चीजें बना के दिखा देगा, घोड़ा है घोड़ा बना के दिखा देगा, मतलब बिल्कुल उसी का बना देगा। इधर भी बनाता है, बहुत बढ़िया रहता है। मैं आपको ले चलूंगा, नहीं आई टोल्ड हिम इन मुरानो ही दे कैन मेक योर फेस ग्लास सेम योर स्टैच्यू दे They also do it here. I'll take you to that place. Let's go here only. It's nice. It's pleasant. But here it is very small scale. For moti, that mala I'm aapko bata raha tha na. You told me about it. I want to buy. I'll take you to that place. ये देखो, ये इनका रिनोवेशन है। हाँ देखिए। ये रिनोवेशन है। देखिए किस तरीके खूबसूरत तरीके से इसको रिनोवेट करा। अपन अपन कर सकते हैं ग्राउंड। ग्राउंड ऊपर। हाई टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं यार, ये लोग कोई गधे थोड़ी। नीचे खाली देखो, उन्होंने पिलर्स लगा के रखे हैं, कुछ नहीं। हां पर ये ग्राउंड फ्लोर नो यूज, दे आर नॉट यूजिंग एंड सॉल्ट वाटर। एग्जैक्टली किधर है, कितनी हाइट रखी हुई है, वुडन फैसिलिटी इंक्लोजिंग मिलेगा। मैंने वो देख, नीचे वाला दरवाजा पूरा गल गया है। ना वो पूरा पानी में पानी है दरवाजा, उसको उसको बाद में लकड़ी उन्होंने बाद में और लगाई। व्हेन इज दिस, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 1500 ईयर ओल्ड। यस 1000। The water was before this place, then this construction was made? No. Construction was before? Everything is natural. Water in the highland is natural. The people who come here, you can see it in the highland. Yeah, how do you... No canal, no water, it's possible from the issue. Go to the house of the highland. But every time you have the water, the canal is the highland. Yeah, tell me, there were little highlands here. Where there was no water, so there were people who made a house. धीरे धीरे इसको सिस्टमेटिक करते करते कनाल में कन्वर्ट कर दिया सीन को, और घर में Santa Maria Formosa. 22. It's a 500 year old. Santa Maria. Santa Maria. अभी देखिए, अभी हमने यात्रा का जो है, अब यात्रा हमारी समापन पे आ गई है। ये देखिए हम लोग गंडोला को, वेलकम एवरीवन अगेन। नाउ वी सिटिंग एट सैन मैरिको का जो मेन प्लेस है, इस जगह पे हम खड़े हैं सर। ये देखिए सब लोग यहाँ खड़े हैं, और जहाँ से ये आ रहे हैं, ये एक बहुत ऐतिहासिक इमारत है। यहाँ पे ये जो स्तंभ देख रहे हैं आप, आपको मैं स्तंभ की पूरी हाइट दिखाता हूँ। ये स्तंभ की हाइट देखिए, ऊपर जो ये टॉप में आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सोने की चीज़ है। ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड में भी दिखाता हूँ। इसके बैकग्राउंड में ये बहुत ही खूबसूरत चर्च है, जो आज 1500 साल पुरानी है। यहाँ देखिए आप, विभिन्न प्रकार के लोग अपना यहाँ पे खड़े होके अपना ऊपर से इस पूरे जगह का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं। अब इस बिल्डिंग के बारे में आपको कुछ बताऊँ मैं। ये देखिए इस बिल्डिंग का मैं ये फेसियर देखिए आप, कितना खूबसूरत आपको जीसस की पेंटिंग्स ये देखने को मिलेगी, जो 1500 साल पुरानी पेंटिंग्स है। अब यहाँ मैं आपको ये पूरा स्क्वायर दिखाना चाह रहा हूँ, जहाँ से हम आपको छोड़ के गए थे, कि चारों दिशा में आप ये देखिए कितनी खूबसूरत ये चौराहा है। ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे एरिया है। रात को यहाँ पे जो सभा बनता है वो देखने लायक होता है। अब ये देखिए कितने हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग सब खड़े हैं।
सब लोग यहाँ पे आनंद हो रहे हैं, हर्षो उल्लास हो रहे हैं। ये अफजल भाई मिश्रा जी के सामने आ गए, ये देखिए अफजल मिश्रा जी, ये रहे फर्स्ट क्लास तरीके से एंजॉय करते हुए इन सब पलों को। अब आपको मैं पीछे दिखाऊं बैकग्राउंड में, ये देखिए ये सब म्यूज़ियम है सैन मैरिको का, इसके साथ में यहाँ पे म्यूज़ियम कॉर्नर है। ये सब ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनको सभी लोग आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लोग शाम के टाइम बहुत आनंद लेते हैं। आइटम तो अच्छी है, ये आपको अच्छी लग रही है? ऐसा है, इस अजूबे में कितना बढ़िया शानदार सी सुना। और पीछे जो है वो महल के लोग, पीछे जो चर्च बना है तो किसके लिए ले जा? This is all for my friends. He wants everybody to become Ronaldo. Please carry on.
रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या? हाँ इसका जो सीडी बनेगा ना वो सुनना, डॉक्यूमेंट्री पूरा बनाया अपन। अब सांझ जैसी डलते हुए सूरज जो है मध्यम सा धीमा होते हुए, अब देखिए अब हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। अब जहाँ पे फेरी ये अराइवल होता है ये एक जगह है, आप देखिए इस जगह का नाम है, जैसे आप देख रहे हैं एकेडमी है, हम इस जगह खड़े हैं। अब मैं इस टाइम एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके आसपास का मंज़र भी आपको थोड़ा दिखाता हूँ। मंज़र देखिए, ये हमारे मेरे बिल्कुल सामने का व्यू है, और तो जो पीछे का व्यू है वो एक्चुअली सैन मैरिको का जो मेन शहर था जहाँ पे हम अभी तक थे, ये वो ब्रिज है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ सैन मैरिको के, उसमें ब्रिज के आप बिल्कुल सामने ये देखिए, अभी आपको विजय दिखे हैं, मैडम भी दिखी है, मैडम अपने बाल बना रही है, मिश्रा जी और जो अपने अमित जी और ये सब, ये देखिए कितने फर्स्ट क्लास तरीके से सब काम चल रहा है। आपको मैं अब यहाँ का नज़ारा ले जाते हुए दिखाऊँगा, ये देखिए यहाँ पर ये इमारतें हैं पुराने ज़माने की, आदम ज़माने की इमारतें। ये एक मोहतरमा हमारे बिल्कुल सामने आ गई थी, उनको हमने किसी तरीके से बचाया, कि इसमें छोटी सी किश्ती एक कितनी स्पीड से आ रही है, ये कटुआ लगता है मुझे बट है यहाँ का इटालियन ही। एनीवे इसको छोड़ते हैं, हम फिर से अपने मेन मंजर पर पहुँच जाती है, ये देखिए ये है सैन मैरिको का पिछाड़ा, ये बैक साइड है और हम इस टाइम इस ब्रिज के ऊपर बैठे हैं। कंसर्ट में कन्वर्ट हो जाने वाला है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे मित्र मिस्टर संजय कॉल आ चुके हैं अभी, और शॉपिंग में ज़रा बिजी थे लोग, इट्स अ लास्ट मिनट शॉपिंग। और ये एक बहुत बड़ा शिप जो कि क्रूज जो छोड़ रहा है, इस समय इसका छूटने का समय हो चुका है, जा रहा है लोगों को बार बार बाय बाय, बाय बाय वेनिस, और इस तरीके से लोगों को अपने साथ समेटे, हजारों लोगों को अपने साथ समेटे ये क्रूज लगभग अपना पोर्ट छोड़ने जा रहा है थोड़ी देर में। इस दौरान आपने सवेरे की कुछ शूट्स में देखा था कि कई सारे शिप्स खड़े थे टॉप करके, नॉर्मल शिप्स पोर्ट पे दिन में खड़े रहते हैं और रात को ही छोड़ते हैं शाम के समय। अभी जब ये 6:30 बज रहे हैं यहाँ के टाइम के हिसाब से, और ये शिप यहाँ से अब क्रूज़ करेगा आयरलैंड की तरफ।
ये वेनिस की शाम का समा। अभी जो आप देख रहे हैं ये सेम स्क्वायर है जो आपने सवेरे देखा था, और ये बहुत रंगीन शाम है यहाँ की। यस, यहाँ पे कंसर्ट थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। मैं अपने सभी बस के साथ एक बार मैं फिर आपको आमंत्रित करता हूँ अपने साथ में ये सफ़र के लिए। खूबसूरती जो हम वेनिस में लेके चल रहे हैं इसकी आगाज़ करते हैं यहाँ की लाइटों से। आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इन सब यहाँ का वातावरण समा हुआ है। बहुत ही बढ़िया तरीके का वातावरण बना हुआ है, और अभी मैं आप लोगों को यहाँ की सैर करा रहा हूँ। देखिए जिस तरह आपने यहाँ पर दिवाली मनती है, यहाँ पर हर दिन इनके यहाँ पर दिवाली होती है। मिश्रा जी देखिए बिल्कुल हमारे सामने हैं, मिश्रा जी चल रहे हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ से निखिल जी और विजय भाई दोनों देखिए कितने बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। और अब आगे चलते हुए हम आगाज़ देखिए, इन्होंने हमारे सर के ऊपर से टोपी हटा के हमारे को ठंडे ठंड का और एहसास करवा के ये अपने सफ़र पे निकल चले हैं, और इस सफ़र के ऊपर हम इनका बिल्कुल भरपूर साथ देंगे। अब मेरे साथ चलते हुए आप इस चीज़ का पूरी तरह से मनोरंजन लीजिए, और हम बढ़ते हैं इस पूरी जो ये महफिल है यहाँ पर, इस महफिल के बीच में आप ये देखिए यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा वगैरह भी अभी शुरू होने वाला है, और उसका आंखों देखा हाल हम आपको अभी दिखाते हैं। चलते हैं ऑर्केस्ट्रा की तरफ। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, देखिए अभी सवा बंद रहा है और ये खूबसूरत वायरलेस अपना ऑर्केस्ट्रा पूरे ड्रम के साथ में, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ में एक समा बांध रहे हैं। यहाँ पे जितने भी आपको आसपास खड़े हुए ये लोग दिख रहे हैं, ये सब लोग जो है इस म्यूज़िक के संगीत को आनंद लेने के लिए। वेनिस जैसे कि आपको पता होगा एक शहर है जो कि अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, इसके अलावा ये शहर जो है संगीत के सेंटिमेंटल के लिए बहुत ही वाकिफ है। अब ये देखिए कितना सेंटिमेंटल भरा ये संगीत बना रहे हैं। यहाँ पे जितने भी प्रेमीगण हैं, ये देखिए मिश्रा जी बीच में आ गए हैं। अब मिश्रा जी जो है ये अननेसेसरली बीच में आके हमें ख़राब करेंगे। अब मिश्रा जी हमसे थोड़ा दूर जाते हुए और मैं आपको इस मंजिल के करीब लेते हुए, ये जो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है संगीत के प्यारों के लिए। अब ये देखिए किस तरीके से ये वायलिन का समा बना रहे हैं। मैं आपको थोड़ा आगे जाके इनका पूरा का पूरा वातावरण आपको समझाता हूँ, और अभी चलते हैं हम आगे। अब देखिए हम किस तरीके से इनके बिल्कुल सम्मुख आगे खड़े हो गए हैं। अब ये देखिए कितने प्रतिभाशाली तरीके से अपना म्यूज़िक का जो है संहार कर रहे हैं। देखिए समा फिर से बनने वाला है, और ये इन्होंने अपनी धुन शुरू करी है। अब देखिए कितना सेंटिमेंटल धुन है ये, फर्स्ट क्लास तरीके से। पहले हम इनके जो मेन किरदार ड्रमर है उनकी तरफ चलते हैं। देखिए किस तरीके से ये अपना फर्स्ट क्लास तरीके से, ये गिटार नहीं गिटारा है, कितना बढ़िया तरीके से। देखिए इनके हाथों की तरफ देखिए सलीके से बजा रहे हैं ये इसकी स्ट्रिंग्स को, मतलब ऐसी स्ट्रिंग्स का बना हुआ समा आपको देखने को अगर मिलेगा तो कुछ इस वीनस की जगह पे मिलेगा। अभी देखिए इनके जो मेन श्रोता हैं, जो मेन इनके कैंडिडेट है, वो देखिए कितने बढ़िया तरीके से इनको समझा रहे हैं, थोड़े चेहरे के ऊपर मुस्कान लिए हुए और बढ़िया तरीके से। अभी देखिए अपना वायलिन उठाएंगे और यहाँ पे ये शुरू हो गए। अब लीजिए, अब सुनिए इनका म्यूज़िक। अपनी अपनी वाणी में
अपने दिल की सारी परिभाषा जो झलक के एक तरह से हमारे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे जो बिल्कुल सम्मुख खड़े हैं लोग, आपको ज़रा उनसे भी मैं मिलवा दूँ कि देखिए ये वेटर है इसी जगह के, ये सब वेटर जो हैं ये बेसिकली यहाँ पे खड़े हैं, जो कोई भी आदमी यहाँ पे इन कुर्सियाँ जो आप ये कुर्सियाँ देख रहे हैं इन पे अगर बैठना अर्जित है, मतलब आप बैठ नहीं सकते, यहाँ बैठेंगे तो ये वेटर आपसे ऑर्डर भी लेगा और ऑर्डर लेगा तो आपके पैसे भी खर्च होंगे। अब ये देखिए जितने भी ये लोग गन बैठे हैं ये सब यहाँ पे पैसे दे के बैठे हैं, और जितने भी लोग हमारी तरह खड़े हैं ये सब लोग आनंद ले रहे हैं इस म्यूज़िक का। अब ये देखिए चीनी हिंदू भाई भाई, ये महिला भी हमारे साथ में ही यहाँ पे म्यूज़िक का आनंद ले रही है। अब यहाँ पे आप मतलब हमारे हिंदुस्तान की तरफ के हो या बाहर के हो, देखिए ये समा बांधा है इन्होंने और ये ख़त्म हुआ इनका ये अभिनय, और फिर से मिलते हैं जैसे ये नई धुन लेके शुरू होते हैं। ये नए अपने म्यूज़िक के साथ में इन्होंने प्रारंभ किया है, मैं फिर से बीच में नहीं आना चाहूँगा, आप ज़रा समय को बांधा हुआ समय को ज़रा सुनिए, देखिए कितने बढ़िया तरीके से आपको इस समा के साथ से यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं इनके साथ में आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया से खूबसूरत चेहरे हमारे साथ में खड़े हैं म्यूज़िक को समझने के लिए। वो किसी भी प्रांत के या किसी भी भाषा के लोग होने के बावजूद सब लोग कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे बैठ के इस चीज़ को आनंदित हो रहे हैं। आप देखिए किसी भी प्रजाति के ये लोग हैं, सब लोग कितने बढ़िया तरीके से आनंद ले रहे हैं सारे समा का। मिश्रा जी जो बिल्कुल बीच में आ गए हैं, थोड़ा हटने का मैं कह रहा हूँ, मिश्रा जी ज़रा हट जाइए, जो कि हम बाकी अपने पीछे साथ वाले लोगों का भी थोड़ा दृश्याकरण करें। देखिए कितने खूबसूरत चेहरे, सलीकेदार चेहरे, इन आँखों में आप देखिए कितना नशा भरा हुआ है, कितनी अच्छी खासी मुस्कान है। ये सब लोग हमारे साथ में इस समा को चार चांद लगा रहे हैं। मिश्रा जी अपने वही इटालियन टोपी के साथ में मशहूर आज की डेट पे इस संगीत का अनुभव का आनंद लेते हुए हमारे साथ में, देखिए ये भी इटालियन सब लोग खड़े हैं हमारे साथ में आनंद ले रहे हैं इस ऑर्केस्ट्रा का। फिर से मैं आपको ले चलता हूँ ये ऑर्केस्ट्रा की तरफ, जहाँ पे ये फिर से समा बांध रहे हैं। टूट पड़े, परेशान चेहरे इनके, ये चेहरा सही झलका रहे हैं कि म्यूजिक सुनने के बावजूद भी ग्राहक नहीं इनके पास आ रहे हैं। देखिए आपको मैं यहाँ की जो करीब 300 साल पुरानी पेंटिंग है इसे आपका मैं आगाज़ कराता हूँ। देखिए कितने खूबसूरत समा बांधा हुआ है यहाँ पे लोगों ने, फर्स्ट क्लास तरीके से देखिए रोशनी में लबालब बढ़िया सी ये इमारत, जिसको कि ये लोग सब जीएस की जगह कहते हैं इनके शरण, और यहाँ पे अपनी ये पूजा वगैरह करते हैं। मिश्रा जी साथ में ही हैं, यहाँ पे अपने कैलाश भाई हैं, मौलिक भाई भी अपने साथ में ही आ लिए हैं, तो सबका देखते हुए देखिए अब कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे समा बांधा हुआ है। फर्स्ट क्लास तरीके से हम समा बांधते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब साथ में जिस तरीके से जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली मनाई जाती है उसी तरीके से ये सब लोग यहाँ पे मनोरंजन का सलीका है। हर एक स्टॉल के बाहर आपको देख के बड़ी आश्चर्य होगा कि हर स्टॉल को एकत्रित करने के लिए देखिए वेटरों के पीछे एक और जो रेस्टोरेंट है उसका अपना जो ऑर्केस्ट्रा का बैंड है वो अपना प्ले करने की कोशिश कर रहा है। देखिए समा ये भी लोग बांध रहे हैं लोगों को अपनी तरफ एकत्रित करने के लिए। सर्दियां अभी आ चुकी है, लीन पीरियड कहलाता है इस बिज़नेस का इस टाइम, तो लोगों को ग्राहकों को अपने तरफ तवज्जो खींचने के लिए ये सब लोग तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा है इटालियंस को सब लोगों को बेसिकली जो म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और जब सूदिंग इतना म्यूज़िक हो और सेंटिमेंटल हो तो सोने पे सुहागा होता है।
मैं आपको मैसूर से लेके चलता हूँ। अभी हमारे ऑक्स्ट्रा वाले जो है वो थकान के मारे अपना थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, चलो थोड़ी देर के बाद में उनको फिर कष्ट देंगे, सबके लिए मिलते हैं। अरे महाराज अब ये जो हम लोग प्रवेश कर रहे हैं फ्रांस के अंदर, कैम्ब्री जो कि एक हिल स्टेशन है यूरोप का, ये देखिए छोटी छोटी बस्तियों से शुरू हो चुका है कैम्ब्री। ये हकीकत में कैम्ब्री नहीं है, कैम्ब्री से कुछ 25 किलोमीटर पहले है कैम्ब्री, वैसे काफ़ी पहाड़ों के ऊपर है। और ये देखिए पहाड़ों को धुंध छाई हुई है, इस वजह से पहाड़ बहुत ज़्यादा सफाई से दिखाई पड़ रहे। और हम आपको भी आगे इसी आंखों देखा हाल दिखाते रहेंगे। जड़े वाली मुनिया हीरा के जबरस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बढ़िया दुकनिया उड़ उड़ बैठी है। ये जो सिलसिला अभी हम जारी कर रहे हैं ये बेसिकली क्या है कि इटली से फ्रांस जाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया टनल्स बनी हैं, लेकिन यहाँ पर टनल से भी बाहर निकल रहे हैं। अभी हमने एक टनल पीछे छोड़ी है, इस टनल का मेरे ख्याल से करीब जो सफ़र था कम से कम भी तो 5-6 किलोमीटर का लंबा था। अब ये देखिए कितने बड़े बड़े पर्वतरोहण हमारे आसपास दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे स्काई भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, जैसे मैं पीछे होश दिख रही थी और दिख नहीं रहा था कुछ भी। अब ये देखिए कितने खूबसूरत ये कंट्री साइड है इटली का इस टाइम। ये सारे 5 किलोमीटर